गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पाइथन लैंग्वेज जो है आपका जो डेवलप हुआ था वो 90 के दशक में हुआ था, जिसको डेवलप किए थे साइंटिस्ट का नाम था गुडो वान रोसम, जिन्होंने इसका नाम पाइथन एक सर्कस उसमें बहुत पॉपुलर हुआ था जिसका नाम मोंटी पाइथन था, उसके सर्कस के नाम पर इसका नाम पाइथन रखा गया। यह आपका एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। आज मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है और आज बहुत मोस्ट डिमांडेबल लैंग्वेज के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। ओपन सोर्स फ्रॉम द बिगनर्स के लिए ओपन सोर्स लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसका यूज हम लोग गूगल फ्रॉम द बिगनर्स के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। और गुडन वान रोसम ने कहा था पाइथन इज एन एक्सपेरिमेंट इन हाउ मच फ्रीडम प्रोग्रामर्स नीड टू मच फ्रीडम एंड नोबडी कैन रीड अनदर कोड टू लिटल एंड एक्सपेंसिव नीड इज इन्हांसमेंट्स, इसके रूप में उन्होंने कहा था। आज को डाउनलोड्स करना बहुत ही ईजी होता है, आप अपने कंप्यूटर में पाइथन डॉट आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, पाइथन डॉट ओ आर जी ओपन कीजिएगा गूगल पर, ऊपर लिखने के बाद आप आसानी से आप इसको पाइथन को आप डाउनलोड्स कर सकते हैं। और अब कैसे पाइथन के प्रोग्राम को रन कराते हैं उसको हम लोग देखते हैं। हमने पाइथन डाउनलोड्स किया है पाइथन डॉट ओ आर जी से और करने के बाद हमने पाइथन 3.9 डाउनलोड्स कर लिया। अब मैं एक आईडी को ओपन किया पाइथन का, इसमें न्यू फाइल में जाएंगे। अगर मुझे दो नंबर को जोड़ना है तो नम वन इक्वल टू इंट, किसी प्रकार का वेरिएबल डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर इंट नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट वह स्ट्रिंग लिख दो, इनपुट द फर्स्ट नंबर, एक नंबर लिए, दूसरा नंबर लेना, इसको कॉपी कर लिए, कंट्रोल पेस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा सेकेंड नंबर, यानी यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेकेंड, या आपका दो नंबर कीबोर्ड से इनपुट ले लेगा। आर ई एस रिजल्ट इक्वल टू नम वन प्लस नम टू, यह दोनों को जोड़ देगा, आउटपुट आपका आर ई एस के पास है, आर ई एस, कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, बी वन डॉट पी वाई, कैसे वो सेव किए। सेव करने के बाद इसको जो रन कराना है, रन मॉड्यूल में जाएंगे, आप सिर्फ टाइप कीजिए, रन करके आपका प्रोग्राम तैयार हो गया। इस तरह से हम लोग दो नंबर के जोड़ने का प्रोग्राम बना सकते हैं। पाइथन का एक्सटेंशन .py होता है। यदि कोई कहा देख नहीं दो नंबर में बिगेस्ट निकालना है तो इसमें लिखेंगे इफ नम वन ग्रेटर देन नम टू, यहां पर ओपन कर्ली ब्रेसेस नहीं देते, कॉलन देते हैं और उसमें टैब मार के लिखते हैं हम लोग प्रिंट ए इज बिगेस्ट, A is biggest, else के बाद कॉलन देंगे, प्रिंट B is biggest, कंट्रोल S से सेव कर लेंगे, रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल, कुछ वैल्यू देंगे, आपका B is biggest दिखा दिया। इक्वालिटी को भी चेक करना है इसमें, इसके अंदर else के अंदर if लग जाएगा, लैडर if का कॉन्सेप्ट है, नम टू कॉलन देंगे, प्रिंट ए इज इक्वल टू बी, एल्स कंट्रोल एस से प्रोग्राम को सेव कर देंगे, रन मॉड्यूल, बी ए इज बिगेस्ट आपको दिखा भी रहा है। आप आसानी से प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। यदि हमको करना है देखना है कि पर्सन एलिजिबल है कि नहीं वोटिंग के लिए, यहां पे मैंने एज लिखा, इनपुट द एज, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 इयर्स कॉलन देंगे, प्रिंट प्रिंट का काम डिस्प्ले करना है, एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स कॉलन देंगे, प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, अगर पर्सन 18 इयर्स 18 या 18 से अधिक है तो वह आपका एलिजिबल फॉर वोटिंग आपका दिखाएगा, और यदि पर्सन का एज
18 से कम है तो आपको नॉट एलिजिबल फॉर पोस्टिंग आपको दिखलाता है। तो इस तरह से हम लोग इफ स्टेटमेंट पर भी डिस्कस किए। अब है लूप के ऊपर बात करते हैं, तो इसमें जनरली फॉर लूप और व्हाइल लूप का यूज करते हैं। जैसे राइट ए प्रोग्राम इनपुट द नंबर एंड जनरेट द टेबल नाम इक्वल टू इंट इनपुट इनपुट द नंबर फॉर, इसमें लिखने का तरीका फॉर काउंट इन रेंज के अंदर तीन पार्ट्स लिखेंगे, पहला पार्ट इनिशियलाइज़ कहां से, दूसरा कहां से लेस देन, ये दूसरा जो था लेस देन बताता है, और एक का इंक्रीमेंट होगा, कॉलन देंगे टी इक्वल टू नम इन टू काउंट प्रिंट टी, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे, रन कराना है रन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, आपका टेबल जनरेट हो गया। अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरह यह बहुत लेंदी नहीं है, बहुत इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप आसानी से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। लूडो गेम, चेस, स्नैक्स वाला गेम या डिफरेंट डिफरेंट गेम्स भी डेवलप किया जा सकता है, यहाँ तक कि यूट्यूब भी डेवलप है, उसमें भी पाइथन का यूज किया गया है। अब है राइट ए प्रोग्राम इनपुट द नंबर एंड फाइंड द फैक्टोरियल वैल्यू, इसके लिए व्हाइल फैक्ट नाम का वेरिएबल लिए जिसका वैल्यू 1 असाइन कर दिए, व्हाइल नाम ग्रेटर देन 1 कॉलन दिए, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू नाम, नाम का वैल्यू घट रहा है तो लिखेंगे नाम इक्वल टू नाम माइनस 1, यहां लिखेंगे प्रिंट फैक्ट, कंट्रोल एस से सेव कर लीजिएगा, रन मॉड्यूल, मैंने एक वैल्यू दिया 5, ये आपका 5 का फैक्टोरियल 120 आपको दिखला दिया, कंट्रोल एस से सेव कर लीजिए। आप आसानी से इसमें प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। यानी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।